मेरा नाम नीरज शर्मा है, मैं प्रॉपर रहने वाला शामली यूपी से हूँ और अभी मैं पीतमपुर में रहता हूँ। 12 साल हमारी शादी को हो चुके और पहले से बहुत परेशान थे, बहुत डॉक्टर के चक्कर काटे, दिल्ली में गए, ट्रीटमेंट बहुत करवाया, बाबाओं के चक्कर में भी पड़े, मोल भी से धाके भी बंधवाए घर वालों ने, मतलब सब काम किए, कोई रिजल्ट नहीं मिला। दिल्ली में IUI भी कराई है एक बार, उसमें भी कोई टोटल IVF के अलावा और सब ट्रीटमेंट कराया, सब एक एक डॉक्टर के पास, मतलब मैंने 8-8 महीने 6-6 महीने ऐसे दवाइयां खाई हैं, लगातार चलते रहता था इलाज, कोई रिजल्ट नहीं। हमने डिसाइड करा कि बस सब सब कुछ हो गया, अब IVF ही कराना है, करवाना है। दिल्ली में 2-4 IVF सेंटर थे, उधर भी गए, जो आना चाहिए था वो फील नहीं आया हमें। तो एक बार ऐसे ही बैठे बैठे गूगल पे सर्च किया कि बेस्ट IVF सेंटर इन इंडिया, तो 2-3 आए, उन 2-3 में गए भी। जितनी बार भी किसी भी IVF सेंटर में गए, हमने डिसीजन ही नहीं लिया, मतलब अंदर से फील नहीं हुआ। फिर हम जब यामी में आए, तो यामी में आने के बाद हमें जो एक पॉजिटिव फीलिंग आई, अप्रैल में हम आए थे, अप्रैल 2024 में, और हमने एक वीक के अंदर अंदर हमने डिसीजन ले लिया कि हमें कराना है, हमें कराना ही है। डिसीजन लेने के बाद पूरा सेटअप सुन लिया, कैसे होगा, कैसे कैसे नहीं होगा। यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के एम्प्लॉय बहुत सपोर्टिव है, आपको सोफे पे बैठना है, कहीं नहीं जाना है, बैठे रहो, और उसके बाद सब कुछ वो स्टाफ, इतना सपोर्टिव स्टाफ, सब कुछ बैठे बैठे आपको करके देगा। इजी प्रोसेस है, फीस जितनी बाहर लगनी चाहिए उससे बहुत मिनिमम फीस है, मैं जहां तक समझता हूँ। एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस, ये आपको एक बार कंसल्टेंसी फीस ले लेंगे IVF की, उसके बाद ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, कुछ भी ऐसा हिडन चार्जेस कुछ नहीं। अपने आप को पर डे अपडेट करते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या बीमारी है, सब कुछ क्योंकि अपडेटेड है, हर चीज का पता है, नॉलेज है उनको। अभी हमको वाइफ को फोर्थ मंथ चल रहा है और हम बहुत सेटिस्फाई है। अभी भी फोन करके बुलाते हैं स्टाफ कि आपको उस दिन आना है, इट्स इजी प्रोसेस है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब सेटिस्फेक्शन है हर चीज का। जितना हमने 12 साल में एक्सपीरियंस किया है, मैं चाहता हूँ कोई और कपल इतना भाग दौड़ ना करे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस, हम बोल रहे हैं कि हमने बहुत जगह घूम के देख लिया, बेस्ट लगा यामी इंदौर, उससे अच्छा नहीं लगा।